अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ आपकी होस्ट इमान चौधरी और आपको वेलकम करूँगी आज बेरिया यूनिवर्सिटी के कार्निवल पे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम फूड स्टॉल में मौजूद हैं और मेरे पीछे बहुत से फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो आज मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊँगी और हम हर स्टॉल पर जाके चेक करेंगे कि स्टूडेंट्स क्या बेच रहे हैं और उनके मैार के मुताबिक जो है कस्टमर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो आइए चल के हर स्टॉल पर जाते हैं और उनसे बात करते हैं। हम मौजूद हैं आज पकौड़ों के स्टॉल पे और आइए हम बात करते हैं कि किन स्टूडेंट्स ने, कौन से डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने ये स्टॉल लगाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन से डिपार्टमेंट से आप? हम लोग बीबीएस हैं। ओके, बीबीएस है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने क्या जहन में रखा कि हमने यही स्टॉल लगाना है? मौसम अच्छा था तो आपने कहा कि कस्टमर ज़्यादा आ सकते हैं, क्या आपके दिमाग में पॉलिसी थी? जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास गरम गरम पकौड़े रखे हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने मौसम को देख के गरम गरम पकौड़े बनाए। आप पीछे देख सकते हैं वो तैयार कर रहे हैं और इसी वजह से हम लोगों ने मतलब एज़ कम्पेयर टू इन सब से हम लोगों ने चीप रखा हुआ है अपना ये पकौड़े शोरों का और इजीली बिक भी रहे हैं सब कुछ। सब कुछ आपके मैार के मुताबिक कस्टमर्स आ रहे हैं? हाँ जी, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है जी। व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बीबीए के स्टूडेंट्स हैं और ऑब्वियसली बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके माइंड में ऐसी पॉलिसी होती है कि उन्होंने इस तरह की कैटेगरी चूज़ करनी है जिससे उनके कस्टमर जो है वो ज़्यादा हो सके। जी व्यूअर्स, पकोड़े तो हमने खा लिया, पकोड़ों के साथ चाय ना हो तो मज़ा दोबाला नहीं होता। तो आइए चलते हैं चाय के स्टॉल पे और जाके देखते हैं कि वो चाय के साथ साथ क्या सर्व कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी बहुत ही स्वीट सी फ्रेंड मौजूद है, तो आइए हम इनसे बात करते हैं। संगे हफ्सा जखेंदा संगे मज़े तड़ ले आउडी ने ज्यादा बस यखनी ते डेले जाता दे विच ने लग यखनी की खुदा च नोर मजा ओ फन कयो। अच्छा, तो हफ्सा हमें बताएं कि आपने आज इवेंट में क्या क्या ट्राई किया? मैंने सबसे पहले पकौड़े ट्राई किए, मैंने इसके अलावा गोलगप्पे ट्राई किए और चाय, और अभी कुछ करूँगी। और क्या चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी? मुझे जो है तिक्का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तिक्का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के इवेंट जो है वो होने चाहिए यूनिवर्सिटी में? हाँ, होने चाहिए। मैं कहती हूँ अच्छे, क्योंकि हर टाइम स्टडीज स्टडीज और स्टडीज़, तो ऐसे इवेंट होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप स्टूडेंट हैं बेरिया यूनिवर्सिटी के? बेरिया यूनिवर्सिटी MSEE। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ आपके माइंड में कैसे ये बिजनेस का आइडिया है? सब लगाते थे, इस बार सोचा कि कुछ इंजीनियर अच्छा कर जाए तो कुछ नया कर जाए तो बहुत फिट रहेगा। ऑलराइट, तो आप बताएं किस चीज़ का स्टॉल लगाया आपने? हमारे पास मजबूर गाजर का हलवा है, मजबूर सोन हलवा है, मजबूर चाय है, कश्मीरी चाय है, मजबूर फिश ना खाना भूलिएगा आप, मजबूर फिश बहुत अच्छी है। ऐसा क्या आपने क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं जो आप कह रहे हैं ये बहुत अच्छी है? इसमें जो हमने मिसालें यूज़ किए हैं वो तकरीबन तमाम जो फिश, एक फिश के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सब मिसाला जहाँ यूज़ किए हैं। अगर आप तेज़ करेंगे तो आपको मायूसी नहीं होगी। ऑलराइट, अच्छा, और ये गाजर का हलवा भी आपके स्टॉल में? और आप बताइए कौन कौन से हलवे हैं? ये गाजर का हलवा है, ये सोन हलवा है, ये स्पेशल मुल्तानी सोन हलवा है, ये गाजर का हलवा बैकमैन से मंगवाया है, ठीक है, और टेस्ट करवाऊं? जी जी जरूर। जी व्यूअर्स, आइए हम टेस्ट करते हैं। ऐसे भी देने हैं सच में। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, तो क्या कॉस्ट रखी आपने स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट के लिए क्या हमारा मेन्यू ये लगा हुआ है, 100 रुपये हर चीज़ 100 रुपये में मिलेगी, सिर्फ चाय में थोड़ी चेंजिंग है 60 और 40 की, बाकी 100 रुपये में मिलेगी। तो आपको लगता है कि जो एक स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है उसके लिए आपके मैार के मुताबिक स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं? ज़्यादा, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच, गुड लक। नमकीन तो बहुत हो गया, अब नमकीन के साथ मीठा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉल पर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। आप कौन से सेमेस्टर से हैं और कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मेरा डिपार्टमेंट लॉ के और मैं थर्ड सेमेस्टर का हूँ। अच्छा, तो लॉ और यहाँ स्टॉल लगाना, ये आइडिया कैसे आया दिमाग? लॉ के लोग क्रिएटिव होते हैं तो इस वजह से ये आइडिया आया कि हम क्रिएटिव काम करेंगे। अच्छा, जैसे आप देखने के बाकी सबने किसी ने चाय लगाई, किसी ने शवारमा लगाया, टिक्का लगाया, तो आपके दिमाग में कैसे आइडिया कि हम कुछ यूनिक चीज बनाए और ये आप खैबर पख्तूनख्वा से जो है ये सौगात लेकर आए, तो कैसे आपके दिमाग में ये ख्याल? मैं हमारा मकसद था कि कुछ डिफरेंट करें क्योंकि यहाँ पे तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की मशहूर सौगात है, तो हमने कहा कुछ डिफरेंट करेंगे तो हमको पसंद आएगा क्योंकि उन्होंने पहले ये खाई ही नहीं होती, इस वजह से हमने किया कि डिफरेंट करें। तो बताएं ये क्या, किस तरह से मशहूर सौगात है ये क्या है ये बताएं? ये जनाब इसे कहते हैं पेड़ा, ये मर्दान का मशहूर पेड़ा है। इसमें इस पेड़े का ये बहुत लाइट है, इसमें इसमें जो है ना खोए समाल हुआ है, गरी समाल हुई है और ये बहुत लाइट है। और ये जो है ना ये अमरसा है, ये आटे से बना है और इसमें मूँगफली का इस्तेमाल हुआ है। ये आटा दूध वाला आटा है, ये देखे ना, ये बहुत नर्म है, नर्म गजा है और बहुत मीठा है। तो ये दोनों चीज़ें। तो इसकी क्या कॉस्ट है? ये जो एक अमरसा है ये 100 रुपीज़ का है और इसके पांच दाने ये एक डब्बे में देते हैं, ये 100 रुपीज़ के पेड़ के। तो आपको लगता है कि स्टूडेंट जो है कस्टमर्स आपके पास ज़्यादा हैं? हाँ जी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना कि ये एक अनोखी चीज़ है, पंजाब के लोग ज़्यादातर पंजाब की हैं, तो और दूसरा जो केपी के किए हैं वो भी पसंद करते हैं कि ये चीज़ खाने, तो हमने एक ट्रेडिशनल चीज़ लेकर आए हैं तो ये बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। जी व्यूअर्स, जैसे आप देख रहे हैं कि इनका ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की ये मशहूर सौगात है और इसलिए पंजाबी जो हैं वो ज़्यादा इंजॉय करें इस सौगात को। आइए ज़रा हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये किस तरह का है टेस्ट में। सर्दी का मौसम हो और फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, तो हम मौजूद है फ्रेंच फ्राइज के स्टॉल पे, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन से सेमेस्टर से हैं आप और कौन से डिपार्टमेंट से? हम मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट से हैं, बीबीए 3B के स्टूडेंट्स हैं हम सारे। हमारी क्लास का एक्चुअली प्रोजेक्ट भी है और एक वेंचर भी है, गुड अच्छा वेंचर भी है, तो हम लोग यहाँ पे गर्म गर्म फ्राइज दे रहे हैं, साथ हम हॉट चॉकलेट कॉफ़ी है, सिंपल कॉफ़ी है, पिंक टी है, ग्रीन टी है और क्या कहते हैं उसके साथ हमारे शाम के टाइम में हम लैंटर्न्स का इवेंट भी करते हैं, लैंटर्न्स भी देते हैं। उसके अलावा अभी थोड़ी देर में हम मफिन्स और कपकेक्स भी इंशाल्लाह यहाँ पे अभी सेल आउट करेंगे। यानी आप सही कारोबार कर रहे हैं, आपने सोचा है कि बाकी सबसे जो है आप सबसे ज़्यादा नंबर ले जाए, चैरिटी कर सकें, हमने प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनको चैरिटी करनी है और इस पे मतलब ये है कि मैम हमारे शायद थोड़े मार्क्स भी लगा दें शायद। ऑलराइट, ठीक है, तो आप बताएं कि ये फ्रेंच फ्राइज जो है ये एक प्लेट कितने की आप कॉस्ट दे रहे हैं? ये फ्रेंच फ्राइज़ की एक प्लेट हम 80 रुपीज़ की दे रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो हॉट चॉकलेट कॉफ़ी है और कॉफ़ी है वो 120 की है, पिंक टी 100 की है और टी 80 की है, ग्रीन टी 80 की है। तो आपको नहीं लगता कि 80 रुपीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है और स्टूडेंट्स शायद उतना अफोर्ड ना कर सकें? देखें, ये स्टूडेंट्स का वीक है और ये स्पोर्ट्स गाला है, ये फूड इवेंट है, यहाँ पे सारी चीज़ें थोड़ी सी ऑब्वियसली बाहर से जो है ना वो बजटिंग इनकी 5-10 रुपये ऊपर होती है, ऑब्वियसली वो मानने वाली बात है और हम उसमें हमारा फ़ायदा नहीं है, वो भी ये 5-10 रुपये जो ऊपर रखें वही हमारा प्रॉफिट है, बाकी सारा जो कुछ है वो हमारी कॉस्ट में चला जाता है, एक्सपेंसेस में चला जाता है। ऑलराइट, तो आपको लगता है उतने कस्टमर्स आ रहे हैं? क्या जी, कस्टमर्स आ रहे हैं? हाँ जी, बहुत कस्टमर्स आ रहे हैं, कल से आई थिंक हम लोगों ने प्रॉफिट ही 4000 तक का कर लिया है। That's great. जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ्रेंच फ्राइज के स्टॉल पे बहुत रश है और सारे स्टूडेंट्स बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कस्टमर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एंजॉय कर रही हैं इस कार्निवल को? बहुत ज़्यादा। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज ली हैं आपने, कैसे हैं टेस्ट में? ये बहुत अच्छे हैं एंड देर वेरी रीजनेबल एज वेल, और इसके साथ ये लोग अखरोट की चटनी भी दे रहे हैं। ओह दैट्स ग्रेट, तो कैसा टेस्ट है अखरोट की चटनी का? अखरोट की चटनी बहुत मज़े की है।
यकीन की बात हो और गोलगप्पे ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में गोलगप्पे की प्लेट है और हम मौजूद हैं गोलगप्पे के स्टॉल पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे लड़कियों का सबसे ज़्यादा रश है, क्योंकि लड़कियों को बहुत शौक होता है क्या है? वो खट्टे मीठे इस तरह के खाने जो है वो टेस्ट करें। तो आइए हम ज़रा टेस्ट करते हैं कि कैसे हैं गोलगप्पे। गोलगप्पे वाले भाई, जरा आप बताएं कि आपने क्या क्या चीजें यूज की हैं गोलगप्पों में? हमारे इसमें एक्चुअली चने आते हैं, आलू आते हैं, इनको दही फुलका कहा जाता है, चटनी है, मीठी चटनी है और मसाला आता है, और साथ में हम लोग ये इमली का पानी आ जाता है जो उसको और ज्यादा यूनिक बनाता है और ज्यादा खट्टा बनाता है, और लोग प्रेफर भी इसको करते हैं। आपने कैसे बनाया इमली का पानी? इमली का पानी बेसिकली पानी में आप लोग जो है साफ पानी को बॉयल करके ना उसमें इमली का पेस्ट डाल देते हैं, तो इमली का पेस्ट डाल के रखें ना कुछ घंटों के लिए और साथ में मसाला डाल दें तो उससे एक अच्छा पानी बन जाता है मसाला का। ऑलराइट, तो आपने ये गोल गप्पों के साथ ये मीठे का जो कॉम्बो किया है, ये कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया? ये असल में एक साइड प्रोडक्ट रखी हम लोगों को, हमने कहा यार कि क्यों ना हम लोग अपने कस्टमर्स को एक साइड प्रोडक्ट ये भी दें, तो उसके लिए हम लोगों ने कप केक्स रखे हैं, ओरियो कप केक्स एंड चॉकलेट कप केक। तो आपको लग रहा है कि उस हिसाब से कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमर बिल्कुल अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और काफ़ी इनको पसंद भी आ रहा है, और आपने भी टेस्ट किया, आपको भी पता लग गया होगा कि कैसा यूनिक टेस्ट है इसका। जी, हमारे साथ गोलगप्पों की कस्टमर मौजूद है, आइए जरा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने गोलगप्पे बाय किए, आपने टेस्ट किए, कैसा लगा? अभी मैंने टेस्ट नहीं किया लेकिन देखने में अच्छे लग रहे हैं। देखने में अच्छा लग रहा है, तो आपको लग रहा है कि खाने में भी उतने अच्छे होंगे? इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, और कितने की आपने एक प्लेट बाय की? 100 रुपीज। आपको लगता है ये स्टूडेंट्स के लिए रीजनेबल है? रीजनेबल है। जी व्यूअर्स, नमकीन की बात और नमकीन खानों के बादशाह डिश की बात ना हो ऐसे कैसे हो सकता है? तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि मैं कौन सी डिश की बात कर रही हूँ। जी, तो मैं बात कर रही हूँ बिरयानी की। तो आइए हम बिरयानी वाले भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने आज बिरयानी का स्टॉल लगाया है, आप सबसे पहले तो आप ये बताएं, आपने खुद बनाई है या घर से बनवाई है? ये बिरयानी बहुत ही मेहनत और बहुत ही जद्दोजहद के बाद ईजाद हुई है। अच्छा, ईजाद हुई है, तो क्या कैसे ईजाद किया आपने बिरयानी? काफ़ी ट्राइज करने के बाद, हमने मुख्तलिफ रेसिपी ट्राई करने के बाद हमने इसको ईजाद की है। ईजाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी बड़ी मेहनत लगी है। आपने क्या इसमें कोडिंग इस्तेमाल की है? मेरे ख्याल में आपको पता है हम कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, हमारा काम है चीज़ें ईजाद करना, तो हमने ये चीज़ ईजाद की है। और इसके अंदर हमने इमली डाली है, इसके अंदर हमने मसाले डाले हैं, गर्म मसाला बेशतर है इसमें, नमक अच्छा खासा डाला हुआ है, और इसके अंदर प्रॉपर टेस्ट आपको मिलेगा जब आप ये खाएंगे। अभी मैं आपको थोड़ी बिरयानी ट्राई करवाता हूँ, और इसको जिसने खाया है, जिसने भी इस बिरयानी को खाया है, वापस 3 और डब्बे। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है व्यूअर्स, जिस बिरयानी में भी हम खाकर जरा बताते हैं आपको। तो आइए चल के टेस्ट करते हैं इनकी ईजाद की हुई बिरयानी। मेरे ख्याल से इनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि जो बंदा एक दफा आए वो वाकई वापस आके 3 और डब्बे लेकर गया। थैंक यू सो मच, बहुत टेस्टी एंड गुड लक। जी व्यूअर्स, हम एक और गोलगप्पे के स्टॉल पे मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि इनका कंपटीशन कैसा चल रहा है दूसरे गोलगप्पे वालों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे बताएं गोलगप्पे के तो और भी स्टॉल हैं, तो आपके दिमाग में कैसे आइडिया है कि नहीं आपने गोलगप्पे का ही स्टॉल लगाना है? क्योंकि ये वाले जो गोलगप्पे हैं स्पेशल पिंडी के हैं, और उधर एक खास दुकान है ना सनी? बिल्कुल, वो दुकान है और उधर के गोलगप्पे पूरे पिंडी इस्लामाबाद में सबसे मशहूर गोलगप्पे हैं, ये पूरे पंजाब में इससे अच्छे कहीं नहीं मिलते, तो हमने आइडिया सोचा कि वहाँ से लाए हैं। ये तो बाकी सारे वैसे घर से बनवा के या किसी आम दुकान से ले हैं। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि कॉम्पिटिशन जो है आपका सही, आप लोग टफ टाइम देंगे दूसरे स्टॉल्स वालों का या वो आपको टफ टाइम देंगे? हमने ऑलरेडी टफ टाइम दिया हुआ है, वो लोग कहते हैं उनके हमने खाए, अब मैं कहता हूँ ये टेस्ट कर लें, जिस टाइम वो इसका पानी पीते हैं तो फिर वो कहते हैं 2 प्लेटें वैसे ही लगा दो।
अच्छा ठीक है जी। व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंपटीशन के साथ साथ यहाँ पे बहुत फन किया जा रहा है और ये सब स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स ने आपस में स्टॉल्स लगाए हुए हैं ताकि वो अपनी डिग्री के साथ साथ अपने बिजनेस माइंड को भी अपने साथ लेकर चल सके। तो आई थिंक सो ये बहुत अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया बहरिया यूनिवर्सिटी ने जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में बिजनेस करने की भी कैपेबिलिटी जो है वो देखी जा सकती है। जी व्यूअर्स हम एक खूबसूरत सी लेडी के पास मौजूद हैं और उन्होंने स्टॉल लगाए कुकीज़ का, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन से सेमेस्टर से हैं आप और कौन से डिपार्टमेंट से हैं? सोशल साइंसेस डिपार्टमेंट फर्स्ट सेमेस्टर। ऑलराइट, तो फर्स्ट सेमेस्टर और पहला आपका इवेंट, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे स्टॉल लगा के? It feels good. There are not too many people buying right now because there are a lot of sweet stalls, but I'm hopeful and the cookies taste good, so I'm confident. Okay. So do you think there's a competition between you and other stall members? Obviously there is, but I'd be content with whatever I make. All right. So have you made it by your own self or have you bought it from somewhere? Oh, I made them myself at home. Alright, that's great. Okay, तो आप हमें कोई ingredients या कोई खास कोई speciality इनकी cookies की बताना चाहेंगे? Well, I use good quality chocolate to make sure the taste is good, and in chocolate cookies, it's kind of important to put salt so the flavor balances out. साथ साथ आप देख रहे हैं कि बॉयज़ जो हैं वो बहुत पुरजोश तरीके से डांस कर रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल आप देख सकते हैं कि वो आज कितने खुश हैं और बहरिया के इवेंट्स हैं। तो आइए ज़रा बात करते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तेरा तमाशा मेरा तमाशा सीनी माशा तेरा तमाशा मेरा तमाशा सीनी माशा तेरा जी व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं कि बॉयज़ जो है वो बहुत खुश हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। तो आप मुझे बताएं ये डांस आपने कहाँ से सीखा? बचपन से? डांस हमारे कोरियोग्राफर कल्सूम से। आइए आइए कोरियोग्राफर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ हमेशा की तरह। और आपने जो बहुत अच्छा इनको डांस सिखाया, तो आपको खुद से मतलब आपने सीखा है या आता था? थोड़ा बहुत सीखा है, थोड़ा बहुत ऑलरेडी आता था। तो आपको इस बात पे सही कॉन्फिडेंस था कि लड़के जैसा आप सिखाएंगे वैसे ही सीखेंगे? मुश्किल है बिकॉज ऑब्वियसली कभी कभार जब आप कोई चीज़ प्लान कर रहे होते हो तो इट डज नॉट गो अकॉर्डिंगली बिकॉज सबके सब डांसेस नहीं होते, बट यू कीप इन योर माइंड कि ठीक रहेगा हो जाएगा। तो आई थिंक देव डन एन अमेजिंग जॉब। आप लोगों ने ओपनिंग सेरेमनी में देखा होगा एंड होपफुली आप फ्लैश मॉब्स देखते रहेंगे छोटे छोटे ताकि आप लोग को आइडिया होता रहे उन लोगों को जो लोग नहीं आ सके थे अंदर उस दिन हॉल में कि हुआ क्या था अंदर, ताकि हमने छोटे छोटे फ्लैश मॉब्स दिखा रहे ताकि उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि हमने किया क्या था अंदर। दैट्स ऑल। ऑलराइट, आपको क्या लगता है कि लड़के जो है आसानी से सीख लेते हैं या लड़कियाँ जो है वो आसानी से डांस सीख लेते हैं? आई वुड कमेंट ऑन दैट बिकॉज हमारे पास सिनेमा शो में ज़्यादातर लड़के हैं, लड़कियाँ काफ़ी कम थी, बट आई थिंक स्पेनिश वॉज वन सिनेमा जिस पर क्राउड वेंट क्रेजी बिकॉज सब लड़कियाँ थी। और अगेन पीपल हैव दैट थॉट कि लड़कियाँ जब होती हैं तो ज़्यादा अच्छा डांस होता है, बट अगेन ही इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर्स जिन्होंने डायरेक्ट किया था शो, यू कैन आस्क हिम अदर थिंग्स। जी हमजा, आप डायरेक्टर हैं सिनेमाशा के, तो कैसा गया आपका फर्स्ट डे कार्निवल का? आई एम द एसोसिएट डायरेक्टर अलॉन्ग विद मी दुआब साहब द डायरेक्टर, बट जो मेरे अंडर सिनेमास थे दे वर अमेरिकन इटालियन एंड अफ्रीकन। तो आई गेस बहुत मज़ा आया, बहुत एनर्जी, बहुत मेहनत हमने की इसके पीछे, पूरा एक महीना में लगाया इसकी एफर्ट्स में, पूरी रात दिन रात हमने लगाई है एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट पेड ऑफ।
इतना क्राउड आपको एक्सपेक्टेड था या आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा क्राउड था? आई थिंक ये बहरिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। 12 सिनेमास को हमेशा आप देखिए कल्चरल शो होते रहते हैं, बट इंटरनेशनल लेवल पे आप किसी चीज़ को दिखाओ वो बहुत बड़ी बात है, और आई थिंक ये चीज़ पहली दफ़ा हुई है तो लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड थी और बहुत मज़ा भी आया। वेलकम दुआ। थैंक यू ईमान। दुआ, कैसा रहा आपका फर्स्ट डे कार्निवल का, और आप लोगों ने बहुत मेहनत की, तो आपको कैसा लगता है कि कैसा आप लोगों को रिस्पॉन्स मिला? यार, इट वॉज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत मेहनत लगी हमारी, बहुत हम खून पसीना, गुस्सा, नाराज़गी, सब कुछ हुआ, खुशियाँ भी थी, बट इन द एंड आई थिंक द हार्ड वर्क पेड ऑफ। मेरा ये एक आइडिया था कि हम इस साल कोई नई चीज़ करते हैं ओपनिंग सेरेमनी में, तो आई केम अप विद दिस आइडिया कि चलो डिफरेंट सिनेमाज दुनिया के हम दिखाते हैं। आई डोंट नो ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स था, लग तो यही रहा था कि दे हैड फन। अभी जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे रिव्यूज़ और भी मिल रहे हैं, तो इट लुक्स लाइक इट वॉज अ गुड इनिशिएटिव, एंड आई थिंक अब ये एक चीज़ है जो आगे चलेगी यूनिवर्सिटी में। तो आपको लगता है इस तरह की जो इवेंट्स हैं वो और होने चाहिए यूनिवर्सिटी में ताकि स्टूडेंट्स में उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ सके? I've always been a supporter of this and I will always be. I really think ki ye cheeze mazid honi chahiye universities mein, kyunki as you know ki Pakistan mein to ek bahut hi textbook system hai na, ki it's all about reading and writing, to extracurriculars bahut zaruri hain cheezon ke liye, because I remember jab hum auditions ke liye bhi ja rahe the to a lot of people were hesitant ki pata nahi families karne dengi nahi karne dengi, padhai zyada zaruri hai, to hame sabko alag alag explain karna pada tha ki padhai apni jagah zaruri hai but these things are important as well, aur us chakkar mein hame नए नए फ्रेंड्स मिल गए, हमारी नई मेमोरीज बन गई, एंड यू कैन सी कि अभी भी ये लोग सिनेमाशा में ही मगन हुए हैं सब, तो आई थिंक इट वाज अ रियली गुड आइडिया। खाने पीने और फन के अलावा यहाँ पे हमने देखा कि एक बहुत ही यूनिक किस्म का स्टॉल लगा हुआ है जिसमें ये सिग्नेचर एनालिसिस जो है वो बताते हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप थोड़ा अपने स्टॉल के बारे में बताइए कि क्या स्टॉल है और किस चीज़ के बारे में? अच्छा, हमारा स्टॉल सिग्नेचर एनालिसिस के ऊपर है। सिग्नेचर एनालिसिस ग्रेफोलॉजी की फील्ड है, और सिग्नेचर एनालिसिस के थ्रू पर्सनालिटी ट्रेंड्स के बारे में हम यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास उनको बता रहे हैं उनके बारे में। ऑलराइट, तो आपको लग रहा है कि उस हिसाब के आपके कस्टमर्स हैं आज इस इवेंट पे, या आपको लग रहा है कि आप लोग के कम कस्टमर्स हैं? कल कस्टमर्स ज़्यादा थे, वो भी इवनिंग में थे, आज भी कम है, लेट्स होप इवनिंग में हमारे पास और स्टूडेंट्स आएंगे। मैं भी अपने साइन करके अपना एनालिसिस, सिग्नेचर एनालिसिस कराती हूँ और देखते हैं कि ये क्या कहती हैं। ये मेरे सिग्नेचर हैं, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है ईमान, एक तो आपके सिग्नेचर से ये पता चल रहा है यू आर हैविंग वेरी गुड इंटेलेक्चुअल पावर, सेकेंडली थोड़ी सी इमोशनल पर्सनैलिटी है, इम्पल्सिविटी भी है, थोड़े से एंगर आउटबर्स्ट भी है, और वेरी सिंसियर पर्सन, एंड हेल्थ इश्यूज ऑन एंड ऑफ रहते हैं, आपको प्रॉब्ली एब्डोमिनल रीजन हेल्थ इश्यूज आर वेरी अपेरेंट इन योर सिग्नेचर्स, गुड फ्यूचर ओरिएंटेशन, ओवरऑल यू आर हैविंग वेरी पावरफुल एंड गुड सिग्नेचर्स। जी व्यूअर्स, जो इन्होंने बातें बताई वो वाकई काफ़ी हद तक जो है वो दुरुस्त हैं, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा स्टॉल है जहाँ पे आप आकर अपने सिग्नेचर एनालिसिस करा सकते हैं, और जिन लोगों को अपने पर्सनालिटी के बारे में ज़्यादा नहीं पता वो लोग अपनी पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जेवर जो है वो औरत का हुस्न होती है, तो इस इवेंट में एक ऐसा स्टॉल भी मौजूद है जहाँ पे जेवरात आपको दिखेंगे, रिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ख्वातीन और मर्दों दोनों की, तो आप देखें यहाँ पे बहुत अच्छे स्टोन के रिंग्स हैं, और लड़कियों को बहुत शौक़ होता है, स्पेशली जो टीनेजर गर्ल्स होती हैं उनका बहुत शौक़ होता है कि वो इस तरह की ज्वेलरी पहने और ताकि वो और खूबसूरत लग सके, तो आइए चल के देखते हैं हम यहाँ पर कि किस किस्म की ज्वेलरी है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। अच्छा, ये स्टॉल आपका है? जी जी। आप इसी यूनिवर्सिटी के हैं? जी, बैरिया यूनिवर्सिटी, BBA 4 है। अच्छा, BBA के, तो आपके दिमाग में कैसे, आपके दिमाग में ये कैसे आइडिया आया जब सब लोग खाने पीने का स्टॉल लगा रहे थे तो आपने ये ज्वेलरी का स्टॉल क्यों चूज किया? मैम, ये एक हमारी ये शॉप भी है मरी रोड पे, रूबी ज्वेलर्स, तो ये एक यूनिक भी टच आता है इसमें, इसमें जेंट्स की आपको रिंग्स भी मिलेंगी, आपको इसमें और भी टॉप्स वगैरह भी मिलेंगे, लेडीज रिंग भी हैं, तो लेडीज इसमें हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए ये बेहतर होगा।
तो ये रियल स्टोन्स हैं, रियल स्टोन्स हैं ये जी, ये हकीक है इटालियन सिल्वर गोल्ड। अच्छा, तो आप हमें दिखाएं सर, अपनी कलेक्शन दिखाइए। अच्छा जी व्यूअर, जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए इनके ये टॉप्स आप देख रहे हैं, और ये बहुत यूनिक है, और ये स्टूडेंट लाइफ में जो है लड़कियां जो हैं वो इजीली इसको कैरी कर सकती हैं, कोई इतने शिमरी नहीं है कि आप ऑड लगे। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टॉल है, और यहाँ पे आप देखें कि कस्टमर लड़के हजरात जो हैं वो अपने घर वालों के लिए, अपनी बहनों के लिए और अपनी फ्रेंड्स के लिए जो है वो बाय कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टॉल है, तो आइए चेक करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने रिंग बाय किए? हाँ, मुझे ज्वेलरी का शो में बाय कर देना, पर इनसे इनको लेके दिया है। अच्छा, ऑल राइट। तो कैसी कलेक्शन आपको लग रही है? कलेक्शन अच्छी है, पर इनके पास पत्थर जो है, जो स्टोन है, वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अच्छा है, डिज़ाइन अच्छे हैं, इटालियन डिज़ाइन है, पर पत्थर अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मतलब सेकेंड कॉपीज है पत्थर की। Alright, तो आपको क्या लग रहा है कि इसकी कॉस्ट जो है वो रीजनेबल है या एक्सपेंसिव? वैसे जो चांदी की कॉस्ट है ना, वो 750 पर तोला है, पर ये यहाँ पे जो जिनको सराफा कहते हैं, ये बेचते हैं 1200 रुपया तोला, 1300 रुपया तोला। थोड़ी यहाँ पे ऑब्वियसली इन्होंने अपना रेंट भी निकाला है, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट है। राइट, थैंक यू सो मच जी। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कस्टमर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लड़कों को भी शौक है बहुत, लड़कियों को भी शौक है ज्वेलरी पहनने का। तो आई थिंक ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि डिफरेंट स्टॉल्स जो है वो इस यूनिवर्सिटी के कार्निवल पे आपको देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टाइमिंग्स के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत खुश हैं आज के मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, और वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, उनको अपना एक कॉलेज और अपने स्कूल टाइम जो है वो याद आ जाते हैं इस तरह के इवेंट्स पे। तो आइए, ये एक और इवेंट है हमारे पास कप केक्स का। जैसे आप देख रहे हैं स्वीट के जो है वो बहुत ज़्यादा स्टॉल्स हैं, तो इनसे बात करते हैं कि इनका जो है वो स्वीट का स्टॉल कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आप कौन से सेमेस्टर के, कौन से डिपार्टमेंट के? मैं 7th सेमेस्टर का हूँ, CS का। CS डिपार्टमेंट। तो आपने ये कपकेक्स का स्टॉल क्यों चूज़ किया? एक्चुअली मेरी जो छोटी सिस्टर है वो ये ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, तो उसको थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए और ख़ुद भी थोड़ा सा एक्सपोजर लेने के लिए ये सारा मैं कर रहा हूँ। राइट जी। व्यूअर्स, जैसे आप देख रहे हैं कि ये कपकेक्स की डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत अच्छी है, और ये आप देखें जैसे कार्टून शेप, ये जैसे आप देख रहे हैं कार्टून शेप जो हैं आपके कपकेक्स हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है स्पेशली लड़कियों के लिए, जो लड़कियां ये घर पे बैठ के जो है अपना हुनर जो है वो इस्तेमाल करती हैं। तो आप अब बताएं कैसा चल रहा है आपका, आज दूसरा दिन है, कैसा बिजनेस चल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और क्या कहते हैं, काफ़ी आ रहे हैं लोग, लेके जा रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्या कॉस्ट है पर कपकेक? पर कपकेक जितने भी हैं, कपकेक 100 के हैं, और जो ब्राउनी है वो 60 रुपीज़ की है, बाकी डिफरेंट कुछ पैक के साथ हैं, उनकी थोड़ी डिफरेंट प्राइसेस हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जी वर्स, आई थिंक लड़कों की फेवरेट जो आप कह सकते हैं सौगात, वो आप कहते हैं कि वो पान है, और यहाँ पे देखें कि पान का स्टॉल भी मौजूद है। तो आइए बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपने कैसे, आपके दिमाग में आइडिया है कि हमने जो है ये पान का स्टॉल लगाना? पान एक्चुअली एक यूनिक आइडिया था, मैंने कहा यूनिक चीज़ हो जाएगी, ऊपर से आपको पता है ठंड है, तो मैंने कहा साथ कॉफ़ी हो जाए, इट विल बी गुड इन विंटर्स। जी वैसे तो कॉफ़ी और पान का कम्बिनेशन जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो बात करते हैं, आप कहाँ से, कोई आप बाहर से लेकर आए हैं बंदे जो? ये स्पेशल है बंदे पान बनाने के लिए, ये पान में चॉकलेट पान भी देते हैं, जेली पान भी, पाइनएप्पल पान भी, मीठा पान भी, और डिफरेंट काइंड ऑफ पान भी सब बनाते हैं। ऑलराइट, तो उस हिसाब से कॉस्ट आप लोगों को मिल रही है, कस्टमर्स आपके हैं यहाँ पे? जी जी, कस्टमर है, बिल्कुल, कस्टमर का फीडबैक अच्छा है, बहुत अच्छा। तो एक पान आप कितने में सेल कर रहे हैं? हम 50 रुपीज़ में एक पान बेचते हैं। जी व्यूअर्स, तो 50 रुपीज़, आई थिंक इट्स रीजनेबल प्राइस, और हर कोई जब इजीली अफोर्ड भी कर सकता है।
जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ साथ जो है वो यहाँ पे बाहर से लोग भी आए हुए हैं और उन्होंने भी स्टॉल लगाए, जैसे आप देख रहे हैं कि सेक्सी सज्जी इस स्टॉल का नाम है। और यहाँ पे आप इस ठंड के मौसम पे देखें कि कितनी अच्छी मज़ेदार सी सज्जी नज़र आ रही है। और यहाँ पे आई थिंक बहुत मज़ा आ रहा होगा स्टूडेंट्स को, कि ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि स्टूडेंट्स के साथ साथ जो बाहर के लोग हैं अपनी प्रमोशन कराना चाहते हैं अपने स्टॉल्स की, अपने रेस्टोरेंट्स की, तो वो लोग ईजिली आ सकते हैं यहाँ पर स्टॉल लगा सकते हैं ताकि उनकी भी अच्छी से अच्छी कमाई हो सके। अच्छा जी, आपने चाय का स्टॉल लगाया है तो आपको बहुत अच्छी चाय बनाने आती है या आपने वैसे ही कहा कि सर्दी है तो मैं चाय का स्टॉल लगा लूँ? हम जी हॉस्टल वाले लोग हैं, हॉस्टल में रहते हैं यहाँ पर, तो आपको पता है हॉस्टल वाले लोगों को जो है ना इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। हम दोनों भाई साकिब हॉस्टल वाले हैं तो चाय बनाने आती है, वैसे हमें भी बहुत अच्छी लगती है, तो मौसम का भी तकाजा यही है कि चाय होनी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने ये सब कुछ। हम लोग सिर्फ यहाँ चाय शुगर के लिए आए हुए हैं और कुछ भी नहीं है, हम लोग वैसे ही बस आए हुए हैं और चाय आपको भी पिलाएंगे, बहुत अच्छी चाय है। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम पियेंगे चाय। अच्छा मुझे बताएं कि आप कितने का एक कप जो है वो सेल कर? 30 रुपीज़ का। तो आपको क्या लगता है कि आपके कंपटीशन में जितने दूसरे स्टॉल्स हैं आप लोग की कॉस्ट ज़्यादा है या कम? कंपटीशन में असल में मसला ये है कि वो दे रहे हैं 100 रुपये का कप और जो एक और स्टॉल है उसमें भी 40-50 का कप मेरा, तो हमारा रेट बहुत मुनासिब है, इसलिए हमारे कस्टमर भी हमसे बहुत खुश हैं और जो कल आ रहे थे वो आज दोबारा आए हैं सारे। सर्विसेज में चाय से डांस भी शामिल है, वो साइड पे लड़के खड़े हैं वो आप देख सकते हैं अगर आप कैमरा कर दें। हमारी साथ फ्री होम डिलीवरी भी है, जो वहाँ पर भी अगर चाय चाहिए हम वहाँ पर भी पहुँचाते हैं, कोई पैसे नहीं लेते, वही 30 रुपीज में चाय पहुँचती है। अच्छा जी व्यूअर्स, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो फ़न के लिए यहाँ पे मौजूद है और वो कह रहे हैं कि इनके यहाँ फ्री होम डिलीवरी भी मौजूद है कि अगर आप यूनिवर्सिटी के किसी भी कोने में खड़े हैं तो ये आपको फ्री होम डिलीवरी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, चाय के साथ पकौड़े ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो आइए हम पकौड़ों की शॉप पे एक बार फिर मौजूद हैं क्योंकि इनके पकौड़े वाकई बहुत अच्छे हैं, तो आइए हम चाय के साथ पकौड़े भी टेस्ट करते हैं। मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही हूँ आज के इवेंट पे एंड आई होप कि आप लोग भी आज बेहद यूनिवर्सिटी के इस कार्निवल पे बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। अब हम चलते हैं फिश वाले के पास और सर्दी के मौसम में फिश तो आपको पता है कितनी
मज़ेदार लगती है और खाने का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। जी तो आप यहाँ पे देखने की जिंगर फिश जो है वो बना रहे हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग कौन से बाहर किसी रेस्टोरेंट से आए हैं या कहाँ से आए हैं? जी हम फिश वालों की तरफ से आए हैं। फिंगर फिश वालों की तरफ से आए हैं। अच्छा अच्छा सही है। तो आप ये बताएं कि यहाँ पे आपका कैसा दूसरा दिन चल रहा है, तो कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से? माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, कंपनी भी अच्छी है, बॉयज़ भी अच्छे हैं, स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, कोई ये नहीं है कि कोई बुरा भला या कुछ बदतमीजी की जुबान नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप एक प्लेट जो है वो कितने की सेल करते हैं? जी हम 200 की सेल कर रहे हैं। 200 की एक प्लेट, और एक प्लेट में कितने पीस होते हैं? इसमें 8 पीसेस होते हैं। तो ये क्या तरीका है, आपने कोई स्पेशल आप लोगों के इंग्रेडिएंट्स है जो आप लोग यूज़ करते हैं? जी मैम, सबसे पहले हम उधर तैयार करते हैं, उसके बाद इसको फ्राई करते हैं, हाफ डन करके हम इधर रखे हुए हैं, उसके बाद फिर इसमें फुल डन करने के बाद हम कस्टमर को पेश करते हैं। ऑल राइट, ठीक है। तो जी व्यूअर्स, अभी हम ज़रा टेस्ट करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि फ़िश का एक्चुअल टेस्ट क्या है। थैंक यू सो मच जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारे लिए स्पेशल जो है वो फ्राई किए फिश, और हम ज़रा टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी है। बहुत मज़ेदार है, और मैं अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कहूँगी कि वाकई यहाँ पे आके इनकी फिश ज़रूर ट्राई करें। इस भरपूर जोशो खरोश वाले इवेंट में हमारे साथ एक बहुत ही उदास से जो है वो भाई साहब खड़े हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी उदासी जो है उसके पीछे क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप ये मुझे बताएं, आप बड़े शक्ल से उदास लग रहे हैं और सब लोग बहुत इन्जॉय करें, आप क्यों नहीं इन्जॉय करें? मैं इसलिए नहीं इन्जॉय कर रहा ना कि यहाँ पे मैं कब से फिरता रहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक एक स्टॉल हमने नहीं छोड़ा है, यहाँ पर हर चीज़ मिलता है, इधर समोसा भी मिलता है, इधर ये चाय भी मिलता है, सब कुछ हमको इधर जो चीज़ मांगता है वो नहीं मिलता। हम ऐसी क्या चीज़ें जो आपको नहीं मिल रही यहाँ पे? यहाँ पे तो सब कुछ है, इधर सब कुछ है, इधर अंडे वाला बर्गर नहीं है। जी व्यूअर्स, ये तो वाकई इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हर चीज़ है लेकिन अंडे वाला बर्गर मौजूद नहीं है, तो हम इनको दुआई दे सकते हैं कि अगर जो कल का दिन रह गया उसमें कोई जो है वो अंडे वाले का बर्गर जो है वो बना ले। जी फ्रेंड्स, आइए हमारे साथ एक बहुत ही स्वीट सी फ्रेंड जो है वो मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इवेंट को कैसे इन्जॉय किया। जी यार, हम बताएं आपने इवेंट को किस तरह इन्जॉय किया? मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, इतना मज़ा आया, ऐसे इवेंट ज़रूर होने चाहिए। आई हैड अ लॉट थिंग्स टू ईट, काफ़ी मज़े का है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, जिस तरह गोलगप्पे ट्राई किए और काफ़ी चीज़ें ट्राई की। अच्छा, गोलगप्पों के अलावा आपने क्या क्या टेस्ट किया? मैंने सजी भी टेस्ट की है, पकौड़े बहुत मज़े किए हैं, एंड ऐसे इवेंट्स अक्सर होने चाहिए ताकि हम इन्जॉय कर सकें और हमारे लिए थोड़ा सा रूटीन से हट के कुछ हो जाए। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल इन्होंने ठीक की है कि वाकई इस तरह के इवेंट्स जो है वो बहरी यूनिवर्सिटी में होने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के चेहरों पर जो हम खुशी देख रहे हैं वो हम महसूस कर सकते हैं कि वो लोग कितना इन्जॉय करें। और मेरे ख्याल से एग्ज़ाम्स और इन असाइनमेंट्स क्विजेस की टेंशन के अलावा इस तरह के इवेंट अगर हर मंथ एक दफ़ा हो जाए तो मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स हैं वो खुशी से तो पागल ही हो जाएंगे। और अपने स्टूडेंट से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा लग रहा है आपको आज कार्निवल का दूसरा दिन अटेंड करके? बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए यूनिवर्सिटीज में, एक गैदरिंग हो जाती है और एक फन हो जाता है, डेली पढ़ाई से सब्जेक्ट्स पढ़ पढ़ के बंदा एक बहुत थक जाता है, और इस तरह के इवेंट्स में यह कि बंदा थोड़ा फ्रेश हो जाता है। तो आपने कैसे इन्जॉय किया, आपने खुद स्टॉल लगाया या आपने खूब खाया पिया? मेरे फ्रेंड का स्टॉल है तो इसलिए उसने पेड़े और अमृतसर लाए हुए हैं, और वो KPK की मर्दान की स्पेशल सौगात है, तो इसलिए मैंने ड्रेसिंग भी इसी तरह की है कि हम KPK का कल्चर शो कर रहे हैं। तो फ्रेंड का स्टॉल है तो आपने फ्रेंड के स्टॉल में से भी आपने पैसे दे के चीज़ खरीदी है या फ्री में?
हमने उससे जब हमने शुरू में इन्वेस्टमेंट किया तो हमने पैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह में साथ दिए हैं, तो अभी जब इस कोई दोस्त आए तो उन्हें खुद से ही लेके देना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो है रश थोड़ा सा कम हो गया है, जैसे जैसे टाइम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो स्टूडेंट्स जो है वो एंजॉय कर करके थक गए, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ देर बाद जो है वो दोबारा बहुत जोश और जज्बे के साथ स्टूडेंट्स जो है वापस यहाँ फूड कोर्ट में आने वाले हैं। आपने देखा कि आज हमने डिफरेंट स्टॉल्स को कवर किया और हमने देखा कि स्टूडेंट्स जो है वो चाहे मैनेजमेंट साइंसेस के हों, चाहे वो सोशल साइंसेस के हों या कंप्यूटर साइंसेस के हों, उन लोगों में एक पैशन है कि उन्होंने बिजनेस माइंड, अगर उनके पास बिजनेस माइंड है तो वो किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, और वो अपने दिमाग में स्किल्स रखते हुए उन्होंने वो आज यूज़ किए हैं और उन्होंने बहुत इंजॉय किया जैसे कि आप लोगों ने देखा। और मेरे ख्याल से कि बेरी यूनिवर्सिटी में इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, सब बच्चे बहुत खुश हैं और आई होप आपको आज का डे जो है कार्निवल डे 2 जो है आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे हम एक नए इवेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।